बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि कल का जो लेक्चर था उसे आप लोगों ने समझने की कोशिश की होगी, उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स और क्वेश्चंस थे वो आप लोगों ने अटैम्प्ट करने की भी कोशिश की होगी और किए भी होंगे। ठीक है जी, चलिए आज हम नेक्स्ट चलते हैं। उससे पहले जो कल हम लोगों ने काम किया था, एक दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा वो रिकॉल करा दूँ कि हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने जो फंक्शन एफ है उसके लिए हमने टेलर्स डेवलपमेंट विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स जो है वो फाइंड आउट की थी, जिसमें हमारे पास था एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर ओवर टू फिक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस एच क्यूब ओवर थ्री फिक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस सो ऑन एच एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन फिक्टोरियल एफ एन माइनस वन ओवर ए प्लस एच एन ओवर एन फिक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच। ठीक है जी, और यहाँ पे जो हमारा थीटा है दैट इज़ बिटवीन जीरो एंड वन। ठीक है, इसको हमने जो है वो कहा था कि टेलर्स डेवलपमेंट विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, और ये जो है हमारा इसमें रिमाइंडर की टर्म है। ठीक है जी, और इससे पहले ये एन टर्म्स है। सेकेंड वन, ये इंटरवल ये जो हमने इसको फाइंड आउट किया था, दिस वॉज ऑन द इंटरवल ए ए प्लस एच। ठीक है जी, अब इसी इंटरवल को जब हमने चेंज किया, ठीक है, ये इस थ्योरम के बाद क्रॉलरी में ए की जगह पे ज़ीरो और ए प्लस एक्स की जगह पे ए प्लस एच की जगह पे एक्स, ये इंटरवल, तो ये हमारा सारा फार्मूला जो है वो चेंज हो गया। इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फिक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री फिक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो प्लस सो ऑन एक्स एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन फिक्टोरियल एफ एन माइनस वन एट ज़ीरो प्लस एक्स एन ओवर एन फिक्टोरियल एफ एन एट थीटा एक्स, और थीटा की वैल्यू ज़ीरो वन के दरमियान में है। दिस वॉज कॉल्ड मैक्लॉरेंस डिवेलपमेंट विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, और इसमें अब ये रिमाइंडर की जो टर्म है, ठीक है, आफ्टर एन टर्म्स। ठीक है जी, अब आज नेक्स्ट चलने से पहले हम जो है वो देखते हैं, यहाँ पे एक और थ्योरम है, टेलर्स थ्योरम विद कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, टेलर्स थ्योरम विद कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ठीक है जी, इसमें है लेट अ फंक्शन एफ सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ थ्योरम 3.6, जो आपने पीछे हम लोगों ने कल थ्योरम किया था उसकी तमाम एफ वही है जो तमाम कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम उसको देखते हैं कि सारी कंडीशंस इसकी वही हैं कि एफ के जो है एफ खुद और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव से लेके जो है एन माइनस वन डेरिवेटिव तक जो है वो कॉन्टीन्यूस होगा इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए ए प्लस एच पे। ठीक है जी, और एफ एन एफ डेरिवेटिव जो है वो ओपन इंटरवल पे एग्जिस्ट करता है, यही कंडीशंस हैं। ठीक है, अब उसमें वो कहते हैं कि फिर हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर ओवर टू फिक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस सो ऑन एच एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन फिक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए प्लस एच एन ओवर एन माइनस वन फिक्टोरियल इन टू वन माइनस थीटा एन माइनस वन एफ एन ए प्लस थीटा एच। ठीक है जी, अब ये जो हमने पीछे किया था टेलर्स डेवलपमेंट विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये सेम उसी तरह, जस्ट इसमें ये जो लास्ट रिमाइंडर की टर्म है ये डिफरेंट है। ठीक है जी, ये जो लास्ट में है एच की पावर एन ओवर एन माइनस वन फिक्टोरियल वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन एफ एन ए प्लस थीटा एच। ठीक है जी, अब ये सिर्फ डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉशी फॉर्म ऑफ लैग्रांज डेवलपमेंट विद कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ठीक है जी, दोनों में सिर्फ फ़र्क रिमाइंडर का है। ठीक है, इसका प्रूफ सेम उसी तरह जैसे हमने कल किया था, इसको अब आप जो है ना वो अपने जहन में ज़रा रखें। नेक्स्ट अब हम चलते हैं। हाँ जी बेटा, टेलर्स थ्योरम विद कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये सेम वही है जो हमने टेलर्स डेवलपमेंट विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर किया था। जस्ट मैंने जैसे आपको बताया, इसमें ये जो रिमाइंडर वाली टर्म है इसका फ़र्क है बस। ठीक है, इसी से हम जो है वो अब आगे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, चलते हैं टेलर्स सीरीज की तरफ। टेलर्स सीरीज,
हाँ जी, जब ये जो आपके पास इसकी एफ ऑफ ए प्लस एच की जो एक्सपेंशन है, इसमें फाइनाइट टर्म्स की बजाय इन्फिनिट अगर टर्म्स होंगी तो ये क्या बन जाएगा, ये सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, यानी कि जब आपका एन अप्रोचिज टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, आपके पास ये सारी जो एक्सपेंशन है दिस विल बिकम सीरीज़। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर ये रिमाइंडर को हम आर एन कहते हैं, और इससे पहले वाली ये सारी जो टर्म्स हैं ये हमारे पास कितनी हैं, एन टर्म्स है ना, अगर उनको हम एस एन कहें, ठीक है, तो फिर हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ एन टर्म्स प्लस आर एन। ठीक है जी, अब ये आपका जो आर एन है, ठीक है, ये रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, अगर जब आपका एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, ठीक है, और आपका ये आर एन अप्रोच करे ज़ीरो को, तो आपका एफ ऑफ ए प्लस एच विल बी इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन। ठीक है जी, और फिर ये क्या कहलाते हैं, टेलर सीरीज़। ठीक है, अब ये फिर एक्सपेंशन क्या कहलाती है, टेलर सीरीज़। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट ये जो हमारा रिमाइंडर है, जब आर एन अप्रोचेज टू ज़ीरो हो गया, एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये इसमें से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको आप इन्फिनिट टर्म से शो कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टेलर्स सीरीज़। ठीक है, इसी में जब आप, ये तो हमारा इंटरवल इसमें था ना, ए ए प्लस एच। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है कि टेलर सीरीज़ जस्ट उस वक़्त, ये नीचे कंडीशंस दी हुई हैं जहाँ थ्योरम है वहाँ लास्ट पे, कि टेलर थ्योरम जो है, टेलर सीरीज सिर्फ उस वक़्त वैलिड होगी, ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, वो क्या है कि एफ एफ डैश एफ डबल डैश एफ एन, ठीक है, आर फाइनाइट ऑन ए ए प्लस एच, अगर इनमें से कोई एक भी, ठीक है, इनफाइनाइट हो गया जैसे उसने कहा हुआ है, ठीक है, इंटरवल पे, तो फिर हमारी टेलर सीरीज जो है वो वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है, नंबर टू कंडीशंस क्या है कि एफ और एफ एन तक जो डेरिवेटिव्स हैं सारे ओपन इंटरवल ए ए प्लस एच पे जो हैं वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, अगर इनमें से कोई एक भी डिसकॉन्टिन्यूस हो गया तो टेलर सीरीज विल नॉट बी वैलिड। ठीक है जी, और थर्ड पे है कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी आर एन अगर ज़ीरो नहीं आता तो फिर भी टेलर सीरीज़ जो है वो वैलिड नहीं रहती। ठीक है जी, अब यही इंटरवल अगर आप चेंज कर दें ए प्लस एच की जगह पे ज़ीरो एक, सो ये मिक्लॉरिन सीरीज़ बन जाती है, जिस तरह पीछे टेलर्स डेवलपमेंट से मिक्लॉरेंस डेवलपमेंट हमने बनाया था। ठीक है, इसी तरह सिर्फ इंटरवल के चेंज से क्रॉलरी में रिजल्ट निकाला था। ठीक है जी, अब ये देखिए मिक्लॉरिन सीरीज़, इसको बड़े ध्यान से देखिए, आगे क्वेश्चंस भी आपने इसी की मदद से करने हैं। इफ़ अ फंक्शन एफ पोजेस कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स ऑफ एवरी ऑर्डर ऑन ज़ीरो एक्स क्लोज इंटरवल एंड आर एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एज एन एन अप्रोचेज टू सॉरी आर एन अप्रोचेज टू ज़ीरो एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर टू फिक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो प्लस सो ऑन एक्स की पावर एन माइनस वन एन माइनस वन फिक्टोरियल ओवर इंटू एफ एन माइनस वन एट ज़ीरो प्लस सो ऑन, ये जो आप लोगों ने उसमें सेकेंड ईयर में भी पढ़ी थी। ठीक है, अब इसके भी वैलिड होने के लिए तीन कंडीशंस हैं, अगर इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई ना हो तो ये मैक्लॉरिन्स सीरीज़ भी वैलिड नहीं रहती। ठीक है, द मैक्लॉरिन्स सीरीज़ इज़ नॉट वैलिड इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ एफ एफ डैश एफ डबल डैश एफ एन इज इनफाइनाइट ऑन ज़ीरो टू एक्स क्लोज इन ओपन इंटरवल, नंबर टू एटलीस्ट वन ऑफ एफ एफ डैश एफ डबल डैश सो ऑन एफ एन इज डिसकॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ज़ीरो एक्स, एंड नंबर थ्री लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी आर एन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, अब ये एग्जाम्पल करते हैं, इसका आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी किया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर नाइन जो है, फाइंड द मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ एफ ओफ एक्स इक्वल ई की पावर एक्स। तो इसमें अब आप देखिए एफ ओफ एक्स आपका ई की पावर एक्स है। ठीक है, आपने इसकी जो है वो एक्सपेंशन मैक्लॉरिन सीरीज़ जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब जो मैक्लॉरिन सीरीज़ है हम ऊपर अभी जो है वो थ्योरम में देख के आए हैं, तब वैलिड होगी जब आर एन अप्रोचेज टू
जीरो होगा व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मैकलॉरिन्स थ्योरम में आपने रिमाइंडर आफ्टर एन टर्न्स आर एन के साथ आपने इसको लिख लिया। ई एक्स आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन एक्स की पावर एन माइनस 1 ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल ई की पावर थीटा एक्स थीटा इज बिटवीन 0 एंड 1। अब ये देखें, इसमें आर एन हमारा जो है ये है एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल ई की पावर थीटा एक्स। ठीक है जी, ये रिमाइंडर है आर एन इज इक्वल टू दिस। अब इसको देखें, अब हमने ये चेक करना है कि क्या हमारा ये आर एन अप्रोचेस टू जीरो है जब हमारा एन अप्रोच टू इन्फिनिटी होता है। हाँ जी, अब इसके लिए देखें, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन जीरो, आपका एक्स पॉजिटिव है तो ई की पावर थीटा एक्स है वो लेस देन होगी ई की पावर एक्स से। ठीक है, और अगर आपका एक्स नेगेटिव है तो ई की पावर थीटा एक्स विल बी लेस देन 1। ठीक है, अब एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल मॉड इंटू ई की पावर थीटा एक्स लेस देन होगा, क्योंकि ऊपर जो हम ये इनक्वालिटी करके आए हैं उससे एक्स एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल ई की पावर एक्स से अगर एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है और एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल इफ़। हाँ जी, तो हमारा आर एन मॉड जो है वो इक्वल है एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल मॉड ई थीटा एक्स लेस देन एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल ई की पावर एक्स से इफ़ एक्स ग्रेटर देन जीरो और ये जो है रिमाइंडर लेस देन एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल इफ एक्स इज लेस देन जीरो। ये आया इस इनक्वालिटी से जो ऊपर हम बता के आए हैं। ठीक है जी, अब ये देखें कि एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल जो है वो अप्रोच करते हैं जीरो को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, वी हैव लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आर एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब आपने ये प्रूव कर दिया है, ठीक है, तो अब आपकी जो मैकलॉरिन्स सीरीज है वो वैलिड हो गई। ठीक है, अब ये एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी में ये टर्म्स जो है वो आपकी जीरो हो गई। ठीक है, तो अब आपका जो आपके एफ ओ एक्स जो हम पढ़ के आए थे वो किसके बराबर पढ़ के आए थे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन जो एन टर्म्स का सम था उस पर जो है ये लिमिट आ जाएगी और उससे ये आपकी जो एक्सपेंशन है ये आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और उसमें जो है वो मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, आई होप कि मज़ीद इंशाल्लाह आप में उसको जो है उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें है फाइंड द मैकलॉरिन सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शंस, 3 से 9 तक क्वेश्चन हैं वो इसी तरह। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जिसमें एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है साइन एक्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है, सबसे पहले आपने जो है वो लिखना है, वी नो दैट मैकलॉरिन्स डेवलपमेंट विद लंग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर इज, ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो प्लस सो ऑन एक्स एन माइनस 1 ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन माइनस 1 एट जीरो प्लस एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ एन एट थीटा एक्स। ठीक है जी, अब जो मेन काम अब आपका यहाँ पे है, बाकी तो ये सारा काम वही है जो आप सेकेंड ईयर में करते हैं कि आपने एफ ऑफ जीरो निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और डेरिवेटिव निकाल के उस पर जीरो पे वैल्यू फर्स्ट पे फिर सेकेंड डेरिवेटिव पे, सारा काम वही है। लेकिन यहाँ पे जो अब नया काम है वो ये है कि आपने ये जो आर एन है, ठीक है, आर एन इसको आपने दिखाना है कि ये अप्रोचेस टू जीरो है, क्योंकि टेलर्स सीरीज तभी जो है वो वैलिड होगी। ठीक है, इसके लिए अब हम पहले यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा आर एन किसके इक्वल आएगा। उसके लिए सबसे पहले आपके पास एफ एन एक्स होना चाहिए, ठीक है, तभी आपके पास एफ एन थीटा एक्स निकलेगा। ठीक है, तो अब आपका एफ ऑफ एक्स है तो इसके लिए आप लिखेंगे, वी नो दैट इफ एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स, ठीक है, तो एफ एन जिसका एन एफ डेरिवेटिव है ये हम लास्ट करके आए थे। ठीक है, तो ये किसके बराबर आते हैं, साइन एक्स प्लस एन पाई बाय 2 के। ठीक है, जहाँ हमने जब वो एन एफ डेरिवेटिव्स पढ़े थे वहाँ पे ये सारा हमने यहाँ किया था। अब आपको क्या चाहिए, एफ एन थीटा एक्स, एफ एन थीटा एक्स ये बराबर आएगा एस साइन थीटा एक्स प्लस एन
पाई बाय टू के। ठीक है, तो अब आपका आर एन क्या बन जाएगा? ठीक है, नाउ आर एन इज इक्वल टू एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल, और एफ एन थीटा एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा एक्स प्लस एन पाई बाय टू। ठीक है, और जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आर एन इज इक्वल टू एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल साइन थीटा एक्स प्लस एन पाई बाय टू। ठीक है, और साथ में यहाँ लिमिट आ जाएगी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये टर्म देखें, जब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है ये किसको अप्रोच करेगी? ठीक है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो ये टर्म सारी जो है किसको अप्रोच करेगी? अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, तो फिर अब आप लिखेंगे व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आर एन अप्रोचेस टू ज़ीरो, सो मैकलॉरेंस सीरीज इज वैलिड, सीरीज इज वैलिड। ठीक है, हाँ जी, मैकलॉरेंस सीरीज इज वैलिड एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन, ये जो ऊपर आपके पास था, ठीक है, वो किसके बराबर है? एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है जी, अब जस्ट काम क्या है कि यहाँ पे आपने वैल्यूज निकाल के इसको कह दें वन। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज जो है वो पुट कर दें। हाँ जी, एफ ऑफ ज़ीरो क्या आएगा? साइन ज़ीरो दैट इज़ ज़ीरो, और पहले आप डैश ऑफ एक्स निकालेंगे दैट इज़ कॉस एक्स, एफ डैश ऑफ ज़ीरो क्या आ जाएगा? कॉस ज़ीरो वन, अब एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो माइनस साइन एक्स, हाँ जी माइनस साइन एक्स, एफ डबल डैश ऑफ सॉरी एफ डबल डैश ऑफ एक्स पहले निकालेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज माइनस साइन एक्स, अब निकलेगा एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो दैट विल बी ज़ीरो, अब एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, ठीक है जी, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? माइनस कॉज एक्स, माइनस कॉज एक्स, ठीक है, और फिर एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो जो आ जाएगा माइनस वन। हाँ जी, अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो हम इसमें आप लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज इन वन, तो आपका साइन एक्स जो है वो बराबर आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल सॉरी एक्स माइनस यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा क्योंकि सेकंड वाली जो है वो वैल्यू वो तो ज़ीरो होगी ना, एफ ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो था, एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स फाइव ओवर फाइव फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। ठीक है, इसमें यानी कि जो इवन वाली टर्म्स होंगी वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी और अल्टरनेट साइन जो है वो प्लस माइनस का उसके साथ आपकी टर्म्स जो है वो आती जाएंगी। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर थ्री किया है, तो बेटे नेक्स्ट जो वो क्वेश्चन हैं आपके नाइन तक इनको आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और एग्जांपल्स भी आपने करनी है, एक मैंने आपको कराई है, बाकी आप लोग खुद करेंगे इंशाल्लाह जो है, क्वेश्चन नंबर नाइन तक जो है वो क्वेश्चंस आप कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई ना समझ आए तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है काइंडली उसमें जो है वो मुझे मैसेज करके आप जो है वो पूछ सकते हैं।